राइट right से लेफ्ट डायरेक्शन में अक्रॉस वा, मतलब वायर से ठीक है और आपसे ये कहा जा रहा है कैलकुलेट द करंट इन द वायर आपने जो है वो वायर के अंदर करंट कैलकुलेट करना है इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग और आपने ये बताना है कि करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हम लोग डेटा ड्रॉ कर लेते हैं देखिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन किए गए कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें एक्सपेरेंट एटीन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं टाइम हमें गिवन किया गया ई सेकंड का मतलब वन सेकंड का और करंट हमें जो है वो कैलकुलेट करना है ठीक है और देखिए हमें ये बात पता है कि हमारे पास चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 माइनस -19 कूलम ठीक है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का हमारे पास चार्ज होता है 1.6 माइनस -19 कूलम बेसिकली करना हमने ये है कि हमें करंट कैलकुलेट करना है तो करंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है चार्ज इनटू टाइम यानी कि q t देखिए यहाँ चार्ज निकालने के लिए हमें जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन किए गए सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन किए गए तो हम फॉर्मुला हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्यू इक्वल टू एन ई वाला एन हमारे पास क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई e हमारे पास क्या है चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सो क्यू की जगह क्या आ जाएगा एन ई e आ जाएगा ठीक है अब हमारे पास एन जो है वो एक्सपोनेंट पोइट एटीन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास सिंगल कितना है एक्सपोनेंट कूलम और टाइम हमें गिवन किया गया वन सेकंड का तो करंट हमारे पास आ जाएगा पॉइंट वन सिक्स एम्पेयर और वन सिक्सटी मिली एम्पेयर ठीक अब इसके बाद हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है अगर आप कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात करोगे कन्वेंशनल करंट की बात करोगे तो कन्वेंशनल करंट हमेशा ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन के फ्लो क्या बता रहा है वो राइट टू लेफ्ट तो हमारे पास कन्वेंशन डायरेक्शन क्या हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर आप कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होता है ठीक ये हो गया हमारे पास एक्जाम्पल नंबर पास पॉइंटल्व टू इसमें कहा जा रहा है द हाई वोल्टेज इन रिसीवर इज किलो वोल्ट यानी कि आपके पास वोल्टेज है वो सेवनटीन किलो वोल्ट का पास आउट हो रहा है टीवी रिसीवर से द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज वन फिफ्टी माइक्रो एम्पेयर यानी कि जो मैक्सिमम करंट अलाउ है वो कितना है माइक्रो का वट इज द लीस्ट परमिसेबल वैल्यू ऑफ लोअिस कितनी लोडर्स की जो परमिशन रिक्वायरमेंट है आ, लीस है ये बेसिकली मतलब कि कितनी लोड रिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है 150 माइक्रो करंट को आ, पास आउट करवाने के लिए तो देखिए हम लोग डेटा यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं हमें वोल्टेज गिवन किया गया है सेवनटीन किलो वोल्ट का <coughs> और हमें करंट गिवन किया गया है माइक्रो का दैट इज माइनस और हमें कहा जा रहा है कि लोड रिस्टर्स निकालने तो ये हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बायम लॉ दैट वी इक्वल्स टू आई आर आ, आर क्या हो तो जाएगा वी डिड बाई आई तो यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास ओहम का ठीक देन पास हमारे पास एक्टर ट्वेल्व पॉइंट थ्री इसमें कहा जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन मेड ऑफ कॉपर सेंटीग्रेड यानी कि आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है कॉपर की बनी हुई है और उसका, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हंड्रेड ओम है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस बिटवीन समर एंड विंटर आपने समर और विंटर में रेजिस्टेंस की चेंज को कैलकुलेट करना क्योंकि हमें पता है कि वायर जो है वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर Uh, उस पर कहा जा रहा है कि नोइंग दैट टेम्परेचर वेरीज फ्राम थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेट यानी कि आपको समर का टेम्परेचर किया जा रहा है विंटर मतलब का जो टेम्परेचर है वो माइनस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेट का है अज्यूम दैट टेम्परेचर कॉफिशन ऑफ कॉपर टू बी जीरो पॉइंट डबल जीरो फोर टू सेवन पर डिग्री सेंटीग्रेड एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास जो अल्फा कॉन्टेंट है टेम्परेचर कॉफिशेंट वो कितना है जीरो पॉइंट डबल जीरो फोर टू सेवन तो, तो हम लोग इसका डेटा डॉ कर लेते हैं थे हमारे पास जीरो डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रीडम रेजिस्टेंस गिवन की गई हंड ओह की चेंज इन रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी है बिटवीन समर एंड विंटर हाई टेपरेचर का मतलब ये कि आपको टेम्परेचर जो है वो गिवन किया गया है समर का लो टेम्परेचर का मतलब गिवन किया गया है विंटर का टेम्परेचर को आपको गिवन किया गया है कॉन्स्टेंट तो देखिए मैं हमने जो है वो किसी भी हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मुला ड्राइव किया हुआ दैट इज आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी सो so, हमारे पास फॉर्मुला देखें 35 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो ये क्या हो जाएगा आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी मैं इस्तेमाल तो यहाँ पर नहीं करूंगा बिकॉज हाई टेम्परेचर थर्टी फाइव है लो कितना है जीरो तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा टी ही आ जाएगा थर्टी फाइव इस्तेमाल नहीं कर रहा टी आप कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली ठीक तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू स्पुट करके आर थर्टी फाइव हमारे पास आ जाएगा यानी कि रजिस्टेंस थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी वन फिफ्टीन ओह ठीक फिर हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा टेमपरेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगी हमें पता है कि डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर रेजिस्टेंस का सो so, यहाँ पर आपने जो है वो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस कम होकर कितनी हो जाएगी एटी सेवन पॉइंट टू ओहम तो आपने चेंज निकालना है कि बेसिकली कितना चेंज प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस में फ्रॉम समर टू तो बिटवीन समर एंड विंटर सो so, आप क्या करेंगे समर से विंटर के जो है रेजिस्टेंस को सब्ट्रेक्ट करवा देंगे में से को आप जो कर देंगे तो आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट ओह

तो इसका हम लोग जो है डेटा ड्रॉ कर लेते हैं हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ठीक लेंथ हमें गिवन की टू किलोमीटर यानी कि मीटर की क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिलीमीटर का स्क्वायर का मतलब मिली का भी स्क्वायर होगा कि आप इसको थाउजेंड के स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा ट्वेंटी स्क्वायर ठीक है तो देखो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी दैट ठीक <coughs> तो यहां से हमारे पास जो है बहुत इजीली जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वैल्यूज हम लोग यहां पर पुट करेंगे और हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.64 ओम की ठीक ये हो होगी हमारे पास एग्जांपल नंबर 12.4 और फिर हम लोग चलते हैं असाइनमेंट नंबर 12.1 के ऊपर असाइनमेंट में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ

वट इज द करंट इन द वायर तो कितना करंट पास आउट हो रहा है ये आपने कैलकुलेट करना है of micron, आपको given की है, 1 .5, 1 .5 mic, uh, की. जा रही है ठीक तो पहले हम लोग यहाँ पर डेटा कर लेते हैं देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है कि आर डिवाइड बाय एल आपने कैलकुलेट करनी है

ठीक सोल्यूशन में देखें हमारे पास फॉर्मुला क्या है रॉ एलपोन क्योंकि हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करनी है तो एल को मैं यहाँ लाके डिवाइड करवा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बन जाएगी दैट इज रेजिस्टिविटी डिवाइडेड एरिया हमें यहां पर एरिया तो गिवन नहीं किया गया यहां हमें एरिया तो नहीं गिवन किया गया लेकिन देखिए हमारे पास वायर जो होती है वो uh, हमारे पास सिलेंडर इन शेप होती है और सिलेंडर का हमारे पास एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ठीक तो देखें एल को आपने यहाँ ले जाकर डिवाइड करवा दिया रेजिस्टिविटी को आपने एरिया से डिवाइड कर दिया एरिया हमारे पास नहीं है लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो वायर है वो सिलेंड्रिकल होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई पाईआर स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू स्पोर्ट कर लेंगे तो यहां से हमारे पास जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगी दैट इज फोर सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री ओह मीटर और फिर इसका हमें जब करंट कैलकुलेट करना है तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं दैट ठीक तो देखिए अब हमारे पास अगेन रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मुला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रो रॉ अपॉन ए का क्योंकि हमारे पास तमाम चीजें नोन है तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मले को अरेंज कर लेंगे एरिया हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा वोल्टेज के साथ ये हमारे पास रेजिस्टिविटी लेंथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी एरिया हमारे पास नहीं है लेकिन वही बात है कि एरिया हमारे पास जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है तो वी इंटू डिवाइड बाय रो टाइम्स एल यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो ठीक ये हो गया हमारे पास नंबर 12.1 फिर हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 12.5 के ऊपर देखें इसमें कहा जा रहा है इट इज डिजाइन टू ऑपरेट ऑन 220 ट्वेंटी और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि, कि ये टू ट्वेंटी वोल्ट के ऊपर जो है वो ऑपरेट करे वट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल इज सप्लाइड टू हीटर इन टेन सेकेंड यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स में हो आ, कितने टाइम के लिए टेन सेकेंड के लिए ठीक तो हम लोग जो है यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं देखिए रेजिस्टेंस हमें गिवन की गई है हमें वोल्टेज गिवन किया गया है हमें जो है वो टाइम गिवन किया गया है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर इन टू टाइम ठीक देखें पावर हमारे पास क्या होती है वी इन आई लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो करंट गिवन नहीं किया गया है तो करंट गिवन नहीं किया गया जब कि की तो हम लोग करंट को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है जबकि हमारे पास देखिए पावर क्या होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम ये वर्क डन बेसिकली हमारे पास क्या है? एनर्जी वर्क हमारे पास बेसिकली इक्वल टू एनर्जी होता है तो टाइम को हम जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मुला क्या बन जाएगा वी देखिए पावर हमारे पास क्या है वी आई तो पावर की जगह क्या आ जाएगा वी आई और टी को हमारे जगह मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज वी आई टी लेकिन देखिए यहां पर हमारे पास जो है वो करंट नहीं है देखिए करंट में डेटा के अंदर हमें करंट नहीं गिवन किया गया तो आई की जगह हम क्या, क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी डिवाइड बाई आर वी से वी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी अब यहां पर हम लोग वैल्यू स्पेड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी दैट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड

हमारे पास जो है वो छह लैंप है जिनकी पावर फोर्टी वार्ट की है और ये दिन में चार घंटे जो है वो इस्तेमाल होते हैं टू फ्लोरस एंड ट्यूब्स हमारे पास जो है वो दो फ्लोरस एंड ट्यूब हैं इनकी पावर कितनी वन ट्वेंटी वार्ट की है और ये दो टू आवर्स पर डे यानी कि दिन में दो घंटे इस्तेमाल होते हैं थाउजेंड वॉर्ड्स हीटर यानी कि हमारे पास एक हीटर जो उसका हमारे पास पावर कितनी है थाउजेंड वॉर्ड्स की है वर्किंग थ्री आवर्स पर डे और ये दिन में तीन घंटे इस्तेमाल होता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने क्या करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कंज्यूम इन थर्टी डेज वैन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेवन रुपीज पर यूनिट यानी कि आपने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है थर्टी डेज के लिए ठीक है अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो सेवन रुपीज पर यूनिट यानी कि हमारे पास एक यूनिट जो है कितने का हो सेवन यूनिट का हो तो आपने थर्टी डेज के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है ठीक है तो उसको मतलब स्टार्ट करते हैं देखिए पहले तो हम लोग जो है इसको कन्वर्ट करा पावर ऑफ सिक्स हमारे पास फोर्टी जो है वो एक की मतलब सिंगल की गिवन की गई है तो कितनी हो जाएगी फोर्टी इंटू सिक्स एक जो है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब की गिवन की गई तो उसको इसकी पावर कितनी हो जाएगी टू फिफ्टी वार्ट हो जाएगी इसी तरीके से हमारे पास हीटर जो है वो हमारे पास सिंगल ही है तो हीटर की हमारे पावर कितनी हो जाएगी थाउजेंड वार्ड्स देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे देखें हमारे पास ये जो सिक्स लैम्प्स हैं ये सिक्स कितने दिन चलते हैं फोर आवर्स पर डे ठीक है यानी कि एक दिन में चार घंटे चले तो टू फोर्टी यानी कि इसकी पावर को आप फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे सिविलर इस तरीके से हमारे पास जो फ्लोरस ट्यूब्स है ये चल रही टू फिफ्टी वॉर्ड्स की पावर है कितने घंटे चली टू आवर्स तो ये टू टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करवा दिया हमारे पास जो हीटर है वो थाउजेंड का है कितना टाइम चला थ्री टाइम चला ठीक है तो ये वॉट आर के अंदर आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी ठीक है यानी कि पहले आपने इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कंजप्शन निकाली फिर इसकी निकाली फिर इसकी निकाली तीनों को आपने जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर डे एक दिन में कितनी एनर्जी आती है हमारे पास आ जाएगी ठीक है That is 4, 4, 6, watts per hours. एक दिन की है ये तो आपने इसको क्या करते 30 तो आपने इसको कर देना थर्टी डेज के लिए निकालना तो आपको मल्टीप्लाई करवा देना थर्टी के साथ ठीक है यानी कि हमारे पास जो है ये आ, मतलब एक्सपमेंट आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपेंट थ्री हो जाएगा किलो वाट आर हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डे कितना फोर पॉइंट फोर सिक्स किलो वाट आर ठीक कंज्यूम पर मंथली आप क्या करेंगे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी के साथ तो ये कितना हो जाएगा वन थर्टी थ्री पॉइंट एट किलो वाट आर ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर मंथ हमारे पास कितना हो गया वन थर्टी थ्री आर आपने क्या करना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है जब हमारे पास पर यूनिट कितने का सेवन रुपीज पर यूनिट का है ठीक है तो आपके पास टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो वो कितनी है 133.8 इसको आप जो है वो पर यूनिट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी दैट इज नाइन थर्टी सिक्स पॉइंट ठीक

नाउ ट इज द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड अब आपने बताने कि कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है एक सेकेंड के अंदर तो डेटा हम लोग डॉ कर लेते हैं देखिए हमें जो है वो पावर की, के, वोल्ट की वोल्टेज किया गया टू ट्वेंटी वोल्ट का एनर्जी आपने बेसिकली कैलकुलेट के करनी है टाइम आपको किया गया पर सेकेंड यानी कि एक सेकंड के अंदर एनर्जी लिबरेटेड आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है ठीक तो देखिए पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ठीक रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है पीक वी स्क्वायर आर पर मैं जो वोल्टेज वाला इस्तेमाल करूंगा बिकॉज अगेन मुझे यहाँ पर करंट नहीं गिवन किया गया कि तो पावर का फॉर्मला क्या है वी आई होता है तो आई की जगह क्या आ जाएगा वी डिवाइड बाई आर तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा रजिस्टेंस एटी फोर ओम ये टोटल रेजिस्टेंस है कट करने से पहले टोटल रेजिस्टेंस हमारे कितने आगे फोर एटी फोर ओह फिर आपने क्या कर दिया इसको कट कर दिया टू इक्वल पीसेस के अंदर तुम्हारे पास इसी को हम लोग डिवाइड करवा देंगे टू के साथ हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ टू फोर्टी टू एक पीस की रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है टू फोर्टी टू ओह फिर आपने क्या किया आपने इसको जो है वो ज्वाइन करा दिए पैरल के अंदर तो रेजिस्टेंस को अगर आप पैररली ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास इनके रेसिप्रोक एड हो जाते हैं देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि बोथ आर नॉट ज्वाइंट इन पैरल इज गिवेन एज

आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पावर इन टू टाइम पावर हमारे पास क्या है hour, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं uh, is, uh, मतलब निकाल सकते हैं एनर्जी लिमिटेड आ जाएगी फोर हंड्रेड जूल्स पर सेकंड ठीक ये हो हमारे पास असाइनमेंट नंबर एग्जांपल नंबर 12.7 देव इसमें आपको ये कहा जाए शोज थ्री रजिस्टर्स एंड टू वोल्टेज सोर्स देखें तीन रजिस्टर्स हैं एक दो और तीन रजिस्टर्स हैं और हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं एक टू ट्वेंटी है तो कह रहे हैं बी यानी कि ये वाला आपने ई एम एफ जो है वो अनोन ई एम एफ कैलकुलेट करना है बाईजिंग द क्रिच ऑफ लॉ देखें आपको यहाँ पर जो इस तरह से करेंट करंट की डायरेक्शन दिखाई जा रही है करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है ठीक तो देखें यहाँ पहला काम तो मैं यहाँ पर ये यह देख रहा हूँ कि मेरे पास ये रजिस्टर्स है ये R1, R2 और R3 ये तीनों ही हमारे पास जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो मैं यहां पर क्या करूंगा सबसे पहला का मुझे ये करना है कि मुझे टोटल करंट निकालना है थ्रू द सर्किट क्योंकि मेरे पास टोटल करंट आएगा तो भी मैं जो है यहाँ पर ई e को कैलकुलेट कर सकता हूं तो इसके लिए मैं यहां पर देखें इसका हम लोग जो पहले डेटा डॉक लेते हैं फर्स्ट हमारे पास टू ओम की है से हमारे पास वन किलो ओम की है थर्ड हमारे पास थ्री किलो ओम की है टोटल ई सोर्स हमारे पास ट्वेंटी फोर की है और ई एम एफ हमें जो है ये हमें कैलकुलेट करना है तो सोल्यूशन करने के लिए देखें सबसे पहला काम मुझे करना है कि मुझे ये करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट निकालना है तो करंट निकालने के लिए मेरे पास रेजिस्टेंस होने चाहिए तो रेजिस्टेंस मेरे पास देखें तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो मैं टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल सकता हूँ रेजिस्टर्स दैट इज सीरीज में है तो आप तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी दैट इज आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर थी देखें ऊपर वाले हमने क्या किया था पैरेलल निकालने के पैरल निकालेंगे कुछ किया था ये हमारे पास सीरीज में लोग सीरीज़ में इनको ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट की कितनी हो जाएगी सिक्स ओम देखें हमारे पास सर्किट के अंदर तो गुजरने वाला टोटल वोल्टेज गिवन है सर्किट आ गई सिक्स ओम की तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई कितना हो गया फोर एम्पेयर का ठीक अब हमारे पास जब करंट आ गया जब हमारे पास करंट आ गया तो हम इस ई एम एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रिच ऑफ लॉ अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा क्रिच ऑफ लॉ फॉर द लूप ए बी सी डी ए ठीक देखिए मैं यहां पर कह रहा हूँ कि मैंने यहां पर ए बी सी डी ए के लिए क्रिच ऑफ लॉ को अप्लाई किया देखिए ये ई एम एफ मेरे पास जो है वो पॉजिटिव आएगी ठीक है क्योंकि ये मेरे पास जो है वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ हम लोग जा रहे हैं करंट यू फ्लो कर रहे हैं देखिए इस तरह से यू फ्लो कर रहा है तो लो से हाई पर जाते हो तो पॉजिटिव और हाई से लो पर जाएंगे तो नेगेटिव सो दैट्स वाई ये ई एम एफ वाली हमारे पास सोर्स है ये पॉजिटिव होगी देन मेरे पास ये रेजिस्टेंस के अंदर जो मेरे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर वन तो आई आर को आपने जो है वो नेगेटिव सपोज करना बिकॉज आप हाई से लो पर जाएंगे देन हमारे पास यहाँ पर ई एम एफ है देखिए यहां पर भी आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से करंट फ्लो करेगा ना मैं क्या करूं ए बी सी डी ए यानी कि इस तरह से आपका करंट फ्लो कर रहा है ठीक तो ये जो ई एम एफ अनोन ई एम एफ सोर्स है ये भी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी देखिए अब यहां पर ई एम एफ गिवन की गई है आ, मतलब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मुले को रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है की ठीक वैल्यू स्पोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो अनोन ई एम एफ आ जाएगा दैट इज सिक्सटीन रोड ठीक इसके अंदर हम चलते हैं सेवन नंबर ट्वेल्व पॉइंट थ्री के ऊपर देखिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्किट ए बी सी डी ई एफ इज शोन इन फिगर यानी कि आपको ये एक सर्किट दिखाया जा रहा है कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट यूजिंग क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ आपने जो है ये एक करंट आपके पास है दूसरा करंट आपके पास है आपने दोनों ब्रांचेस से करंट को कैलकुलेट करना है यानी कि आई वन और आई टू को कैलकुलेट करना है ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपको दिखाया जा रहा है कि डायरेक्शन मूवमेंट इस तरह से ठीक अब यहां पर रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है, है। रेजिस्टेंस के अंदर कुछ हमारे पास जो है डिफरेंस है देखें यहाँ पर हमारे पास सोर्स है, थ्री लिखी हुई लेकिन ये बेसिकली uh, तो हमारे पास फोर वोल्टेज के दोबारा से बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज गलत लिखी हुई है फाइव ओम की है आर टू ये वाली रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है ट्वेंटी ओम की है आर थ्री हमारे पास रेजिस्टेंस ये, ये हमारे पास टेन ओम की है और आर फोर ये वाले हमारे पास ये जो है ये थर्टी ओम की है ठीक है ये आर वन चेंज है ठीक है, है? ये हमारे पास जो है वो, आ, कुछ प्रॉब्लम है वोल्टेज सोर्स टू आर टू कितनी है ट्वेंटी ये आर थ्री R2, R2 ये, ये कितना है टेन और ये है आर फोर यह कितनी है थर्टी ये समझ लीजिएगा फिर बाद में बेटा आप परेशान होते हैं कि सर ये कुछ यहां पर वैल्यूज और लिखी हुई आपने कुछ और वैल्यू दी है तो ये मैंने मैंशन कर दिया इनको देख लीजिएगा ठीक करना क्या है मुझे करंट कैलकुलेट करना है आई वन और आई टू इस ब्रांच से कैलकुलेट करंट को कैलकुलेट करना है और इस ब्रांच से करंट को जो है वो कैलकुलेट करना है तो इसके लिए देखें पहले मैं जो है वो ए बी ई एफ ए वाले लूप को कंसीडर करूंगा देन बी सी डी ई बी वाले जो है वो लूप को कंसीडर करूंगा ठीक है तो पहले हम लोग जो है वो इसको जो है वो इस वाले लूप को ए बी ई एफ ए वाले लूप को हम लोग जो है वो कंसिडर कर रहे हैं ठीक है मैं आप कह रहे बीई एफ ठीक e, अच्छा अब देखिए यहां ये यह कह डायरेक्शन मूवमेंट आपके पास इस तरह से है यानी कि आपके पास करंट जो है यू फ्लो कर रहा है इस तरह ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप जो है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो आपके पास कर जो है वो क्वांटिटी को आपने नेगेटिव सपोज करना है तो देखिए ये वोल्टेज सोर्स हमारे पास जो है वो नेगेटिव मतलब के लो से हाई की तरफ जा रही है तो उसको आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्किट टॉपिक के अंदर तो देखे ये मेरे पास जो है ये ईव सोर्स पॉजिटिव होगी ये आई आर जो है अब देखें इस रिज से जो करंट गुजर रहा है वो क्या है आई वन ठीक है इस रिज से जो करंट गुजर रहा है आर वन से क्या होगा आई वन से क्या हो जाएगा आई वन आर वन माइनस ठीक है अब यहां देखिए यहां मेरे पास जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा ठीक है यहां पर जब आई वन मेरे पास पहुंचेगा तो आधा करंट यहां चला जाएगा आधा यहां आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास आई वन माइनस आई टू यानी कि आई वन में से आई टू यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर आएगा ठीक है यानी कि ये जो आर टू रेजिस्टेंस करंट क्या हो जाएगा I1 वन माइनस क्योंकि बाकी करंट आपका आगे चला गया है I2 ठीक तो ये हमारे पास क्या बन गया आई टू आर टू पर हम लोग यहां हम लोग वैल्यूज को पुट कर लेंगे ठीक है ई एम हमारे पास कितना है फोर है ठीक है आई वन हमारे पास जो है वो मतलब आर वन हमारे पास कितना है फाइव तो ये क्या हो जाएगा फाइव टाइम्स आई वन हो जाएगा फिर हमारे पास आर टू कितना है आर टू हमारे पास है ट्वेंटी तो ट्वेंटी टाइम्स आई वन आई टू हो जाएगा ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ ठीक है तो ये कितना ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी आई टू ठीक देन उसके बाद आप इसको जो है वो कर आई वन ये कितना ट्वेंटी फाइव आई वन प्लस ट्वेंटी आई टू और फोर तो ऑलिडी मौजूद है इसको मैं ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर वन फॉर ए बी ई एफ ए लूप और फिर मैं चलूंगा दूसरे लूप की तरफ बी सी डी ई बी की तरफ ठीक है तो मैं कह रहा हूँ लेट लूप बी सी डी ई बी अब देखिए यहां क्या हो रहा है कि यहां मेरे पास देखिए ये जो मेरे पास इसके अंदर से करंट गुजरेगा रेस आर थ्री के अंदर से क्या हो जाएगा आई टू तो क्या हो जाएगा आई टू आर थ्री इसके अंदर से भी क्या होगा आई टू आर फोर लेकिन यहां से देखें अब यहां मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं रिवर्स इस तरह से यानी कि लो से हाई की तरफ जा रहा हूं तो ये मेरे पास होगा पॉजिटिव ठीक है और अब यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास आई वन माइनस आई टू हो जाएगा यानी दोबारा से वही करंट है कि आई टू में से आई वन करंट यहां पर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक तो यहाँ पॉजिटिव इसको क्यों ले रहे हैं क्योंकि देखिए ये मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से आ रहे हैं लेकिन यहाँ हम लोग जो है वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपनेच ऑफ लॉ में जो टॉपिक है उसके अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से समझा था कि हमारे पास लो से हाई की तरफ जाएंगे तो आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे हाई से लो की तरफ आएंगे तो आप जो है वो सॉरी लो से हाई की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे हाई से लो की तरफ आएंगे तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे देखें लेकिन यहां पर आप इस तरह जा रहे हैं बी सी डीई बी का मतलब ये कि इस तरह बी से सी पर आए से 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 पर पर की तरफ यानि कि आप जब लो से हाई पर जा रहे हैं, इसको आप कर रहे हैं। ये में हम लोग यहाँ पर वैल्यूज कर लेंगे तो देखें आर थ्री टेन आई टू और आर फोर हमारे पास कितना ट्वेंटी आई वन माइनस आई टू आप ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा

सॉरी आई टू की वैल्यू आ जाएगी तो मैं कह रहा आई वन इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन के अंदर आप आप्वेंटी फाइव आई वन आई वन की जगह क्या आ जाएगा थ्री आई टू ठीक है फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको देखें यहां से सिर्फ आई टू रह गया ठीक है

ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो ई सेल के लिए जो है वो इक्वेट है वेन अ सर्टेन डायरेक्ट करंट वॉज फ्लोइंग थ्रू द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यानी कि हमारे पास जो कोई भी करंट सर्टेन डायरेक्ट करंट गुजर रहा है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के अंदर द वोल्टेज अक्रॉस इट्स इट टू 150 फिफ्टी सेंटीमीटर यानी कि हमारे पास जो लेंथ जो बन जाएगी कितनी बन जाएगी 150 फिफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास जो है वो जीरो पॉइंट आएगा वट वॉज द वैल्यू ऑफ करंट तो वन फिफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास जब जीरो पॉइंट आएगा तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू क्या आएगी आपने कैलकुलेट करना ठीक है तो ई एम ए वन हमारे पास कितना है? 1 हमारे है, जब डायरेक्ट करंट को पास आउट किया तो लेंथ पास कितनी आई है 150 की तो आपको यह कहा जा रहा है कि आपने सर्टेन करंट की वैल्यू निकाली कितना करंट पास आउट हुआ कि जब हमारे पास जीरो पॉइंट सेंटीमीटर के ऊपर आया ठीक है तो सोल्यूशन के लिए देखें हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल uh, uh, तो 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 यहां से हम लोगों ने I2 टू निकाले तो I2 का फॉर्मूला क्या होगा uh, IR, कि हमें जो है वो I2 निकाल, कि E2, E2 निकाल टू निकाल यानी टू सोर्स ई निकालनी होगी I2 के लिए ठीक है क्योंकि रेजिस्टर्स हमें मालूम मौलू, है तो यहां से ई टू को मैं जो सेपरेट कर लूंगा मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा ई वन इन टू एल टू डिड बाई एल वन वैल्यूज को हम लोग करेंगे हमारे पास ई टू आ जाएगा और जब ई टू हमारे पास आ जाएगा हमने बेसिक निकालना क्या था आई टू तो आई टू का फॉर्मूलाएगा वी डिवाइड बाई आर यानी कि ई एम एफ सोर्स डिवाइड बाई आर राइट तो ये कितना आएगा वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितने पास फिफ्टीन एमपेयर का जो है वो करंट uh, आ जाएगा गया च्रे�� हो गया हमारे पास एक्जाम्पल पास पॉइंट नंबर ट्वेल्व में आ जाएगा मीटर वायर ऑफ लेंथ वन मीटर टू ड्राइवर सेल ऑफ वोल्ट यानी कि हमारे पास एक मीटर की लेंथ है और हमारे पास कनेक्टेड का है इसके ऊपर सेल कनेक्ट कराया वन पॉइंट फाइव मीटर का तो हमारे पास बैलेंस पॉइंट कहा आया सिक्स सेंटीमीटर के ऊपर ऑन रिप्लेसिंग दिस सेल एंड यूजिंग अल ऑफ अनशियल मीटर में क्या करते हैं, हैं अननोन कॉम्पोनेट का अन बैटरीज काल का, सेल का. <coughs> तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ऑन रिप्लेसिंग दिस सेल एंड यूजिंग सेनोन ई एम एफ द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्ट टू एक्टर बैलेंस पॉइंटी से एटी के ऊपर चला गया कैलकुलेट द अननोन ई एम एफ ऑफ द सेल

असाइनमेंट नंबर पॉइंट फोर और असाइनमेंट नंबर ट्वेल्व पॉइंट फोर हमारे पास मतलब तमाम कंप्लीट हो गई हैं अगर क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह मैं इनको आंसर कर दूंगा अपनी दुआ में याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़